पटियाला में शोर गुल के बीच में अनारदाना चौक बहुत फेमस है और जब आप यहाँ पर आए तो आपको मिल जाएंगे मल्होत्रा की स्वीट। और यह है विकी मल्होत्रा जी, विवेक मल्होत्रा। विवेक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आप? और ये हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ, मजे कर रहा हूँ, इतनी खुशबू है, इतने टेस्ट, मजा सा आ गया है। तो पहले जरा आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं क्योंकि अभी चीजें हैं बहुत ज्यादा गरम गरम एकदम फ्रेश। विवेक जी दुकान कदों शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसने शुरू की? सर ये बुड्ढा असल मेन था मेरे पापा ने लगाया हुआ, वो ला लो कि 12 साल दी जिवें अनसोची बच्चा होंदा है, 12 साल दी उम्र तो कम कर रहे हैं। उस टाइम टांगे चलते सी इस बाजार च। अच्छा। कार्स भी किसी को नहीं होंदी, कार दिखदी नहीं सी, टांगे चलते सी। मैं तुहानू दस्सिया वो टाइम पापा ने देखा है, वो सिरे आके 4 बजे उस टाइम ये पौड़ी चढ़ के आप ही सारा कुछ बना लेंदे सी, आप ही तैयार कर लेंदे सीगे, ठीक है ना। उन्होंने मेहनत की है, सारा कुछ उन्होंने किया है। तो ये जो फ्लेवर्स हैं इनको पटियाला के लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो फ्लेवर मैं बता दूँ आपको सर, एक्चुअली ये सारा कुछ फ्रेश बनता है, लाइव किचन है, जिम्मे जो भी बन रहा है थोड़े सामने बन रहा है, लोग लाइव किचन होने करके थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। दूजी गल अज भी पुराने टेस्ट वाग इस करके टेस्ट आता है क्योंकि सब कुछ कोलियां के उपर बनता है, गैस उपर कुछ नहीं है। अगर जिम्मे जम देखो गर्म भी हो रही है तो भी कोलियां के उपर हो रही है, उधर भी जी भट्ठियाँ वो भी सारी कोलियां की है। तो ये यहाँ पर है एक बहुत ही ट्रेडिशनल किचन, देखिए देखिए आप घबराइए मत, आप जाइए देखिए आराम से। जब आप अंदर घुसेंगे तो ऑयल बॉयल हो रहा है, खाना बन रहा है, खूब चीज़ें तली जा रही हैं, जलेबी बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, बहुत ही शानदार किचन है और फ्लेवर्स जो है इसलिए बहुत ही शानदार है। तो पटियाला लव करता है बहुत ज़्यादा मल्होत्रा स्वीट्स को 60-70 साल से। विवेक जी परमिशन हो तो मैं खाऊं फिर? हाँ जी हाँ सर बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन, ये चटनी आपकी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी स्पेशल है, ये कैसे बनती है? सर ये आम की चटनी है मेनली, इसमें अच्छा? और फ्रूट्स भी बढ़ते हैं पर मेनली आम है इसमें, आम। और कई तरह के जैसे जीरा हो गया, कलौंजी होगी, ठीक है ना, क्या बात है, काफी कुछ इसमें पड़ता है। पनीर इतना सॉफ्ट, अगर आपके दांत ना भी हो तो आप ये पकौड़ा आराम से चबा के खा सकते हैं। चटनी इतनी मीठी, उसके साथ सौंफ, जीरा, कई सारे मसाले, चटनी को देखो आप जी, ये इज स्पेशल मेंशन इज डिजर्व्ड। और ये आम की चटनी आपको पूरे साल मिल जाएगी। तो आम का जैसे एक मुरब्बा होता है थोड़ी सी वैसी, थोड़ी सी चटनी की खटास, थोड़ी सी मिठास, बहुत ही अनयूजुअल। और पकौड़े जो हैं ये पटियाला में सबसे बिलवेड पकौड़े हैं, सब प्यार करते हैं इनको। तो जब आप यहाँ पर आएँ मिक्स पकौड़े लें, मिक्स प्लेट ले लें ऐसे जैसे मैंने लिया है, यहाँ पर आलू के पकौड़े भी मिल जाएंगे आपको और प्याज के भी, मिर्ची के भी, नहीं तो आप सिर्फ पनीर पकौड़े ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड वेल डिजर्व्ड, बिल्कुल सही फेमस है। उसके अलावा जलेबी जैसे आप देख रहे हैं, मेरी खासियत यही है, मैं गरम गरम खाने की एक बाइट ले लेता हूँ पहले आपको बताने के लिए। तो जलेबी कड़क मीठी, नॉट ओवरली स्वीट, बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी पैलेट में टिच बैठने वाली टिच। और यह है गुलाब जामुन, यार गुलाब जामुन अच्छे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन? पक्का अगर मैं बोलूँ आप एक खा के दिखाओ तो खा लोगे? हाँ चलो तो एक आप लो, ये मैं उठा लेता हूँ, लेकिन गरम है ध्यान रखना, ठीक है? लो जी ये प्ले, ये चम्मच आपका और ये मेरा, और मैं शुरू करता हूँ। तो हमारे एक्सपर्ट भी लग गए हैं खाना खाने में, गुलाब जामुन गरम गरम है, बहुत गरम है, जानना आना है। हमारे यंग खालसा शुरू हो गए खाने में और मैं तो खैर एक्सपीरियंस हुई, आहा हल्का हल्का टेस्ट स्पाइसेस का इसके अंदर गुलाब जामुन में, लेकिन जो एक क्लॉइंग होता है कैसा है, गुड, 1 thumbs up और 2 thumbs up, 2 thumbs up मिल चुके हैं। अब टाइम है पकौड़े खाने का, चटनी खाने का। और जब आप पटियाला आएँ तो याद रखिए अनारदाना चौक पे आइए, मल्होत्रा स्वीट्स पे आइए, पनीर के पकौड़े और चटनी, गुलाब जामुन और जलेबी, ये मेरी रिकमेंडेशन है। विवेक जी और कोई रिकमेंडेशन आपकी? सर जड़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं थोड़ी प्लेट च पाई हैं, सब तो मेन फेमस यही है, गर्म गुलाब जामुन, गर्मा गर्म जलेबी और गर्म पनीर पकौड़े, यही फेमस है ज़्यादा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और भीड़ के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि भीड़ यहाँ पे हमेशा मिलती है। अब चलिए जरा देखिए अनारदाना चौक में कितनी रौनक है, देखिए 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 देखिए।